नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल सिम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि आप जो है डीबीटी या फिर मंत्रा से जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम आते हैं उनको जहाँ पे मंत्रा डिवाइस अवेलेबल है, ये मेरे पास एक मंत्रा डिवाइस है, उसको इस्तेमाल करना काफी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसका ड्राइवर सक्सेसफुल इंस्टॉल नहीं होता है। मोरफो तो आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, मंत्रा है कुछ स्पेशल इसके कॉन्फिगरेशन करने होते हैं। मैं आज बताऊंगा कि आप किसान के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके मंत्रा को यूज कर सकते हैं। मोरफो का मंत्रा काफी सस्ता पड़ता है, 2200-2300 रुपए करीब आता है, मंत्रा का जाए 1000 रुपए ज्यादा दाम पड़ता है। उसके बाद मंत्रा का मोरफो का जो आरडी सर्विस थी वो करीब करीब आपको 400-450 रुपए को, तो इसके 100 रुपए में यानी 118 रुपए करीब 18 जीएसटी कार्ड से हो जाते। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इससे कैसे करना है, तो वीडियो को एंड तक रहिएगा। अगर नहीं बताऊंगा तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना और जो भी गाली लिख रहे, लेकिन मैं सक्सेसफुली इसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे मंत्रा को अपने पीसी में आराम से किसान के एग्रीकल्चर में दिखा दूं आपको। कि अभी जस्ट ही पहले मोरफो था, यहाँ पे मंत्रा का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शो करते। मैंने मंत्रा को अपने सेकंड पीसी से मैंने ट्रायल किया, काम किया, मैं अभी इस पीसी आपको दिखाऊंगा। तो सिंपली मंत्रा का लोग सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, वहां डाउनलोड कर ऑप्शन था, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल मंत्रा का मेरे पास पहले से मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर रखा, ये वाला का मैं आपको ड्राइव का लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए मंत्रा क्या हुआ, आपको ये दोनों को आराम से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही इंस्टॉल करना। बहुत सारे लोग डायरेक्ट डबल टैप कर इंस्टॉल कर लेते, लेकिन उससे होता है इंस्टॉल तो हो जाता है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा। मैं जब भी बताऊंगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही इंस्टॉल। तो मैं चलिए आपको पहले से दिखाता हूँ मेरे मंत्रा लगाकर काम करता है कि नहीं। मैंने पहले से मंत्रा का यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाल रखा हूँ और ये ओल्ड वाले जो आप लोग नॉर्मल वेबसाइट से मिल जाते हैं उस पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना डिवाइस पुट कर दिया, यहाँ सामने आपको लेफ्ट साइड इनवैलिड डिटेल टाइम जोन और सिस्टम, तो मेरा टाइम गड़बड़ है, मैं तो सही कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड दिख जाए डिवाइस फार्मर इज रेडी टू यूज करके आपको शो कर दिया। तो यहाँ पे मेरा डिवाइस देखिए फार्मवेयर इज रेडी टू यूज आ गया है। अब मैं इसे टेस्ट करूंगा, मेरे पास ये मंत्रा का स्कैनर में इस पे काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कोई भी आधार नंबर आप करके यहाँ पे मैं इसे ओके कर देखता हूँ जैसे आप लोग यूज करते। तो यहाँ पे मेरा मंत्रा का डिवाइस पुट है, यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया, नाम सेलेक्ट कर लिया और मैं करता हूँ इसे स्टार्ट कैप्चर पे टैप। तो यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट मैंने कैप्चर कर दिया, ऊपर मेरा अगला जैसे अब इतने में टिपने के बाद आपको यहाँ पे लाइट जो है वो शो कर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, मेरे यहाँ पे अभी कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, बस उसमें फिर से वापस पेज घूम के उसी पेज पे आ जाता है। देख सकते फिर से मेरे देखिए यहाँ पे वो पेज वापस यहाँ पे घूम के आ गया है, फिर मेरे वहीं पे जो मेरे डिटेल्स है वो शो कर रहे हैं, वहाँ पे टिक लग गया। मैं फिर भी एक बार फिर से ट्राई करके देखूंगा कि इस पे दोबारा करने पे काम होता है कि नहीं, हो सके दोबारा करने पे हो जाएगा, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम ही हो जाना चाहिए। तो ये नॉर्मल सब कुछ सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी ये लगभग 90% लोग को ये प्रॉब्लम आती है कि मैं यहाँ पे दोबारा स्टार्ट कैप्चर पर टैप करता, देखते लाइट जलता है कि नहीं। मेरा देखिए अभी भी लाइट में सामने रखा हुआ स्टार्ट कैप्चर, मेरे मंत्रा डिवाइस मेरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मुझे अभी भी लाइट नहीं जल रहा है। तो चलिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ क्या। सबसे पहले आप क्या करो, आपके पास जो ओल्ड वर्जन है मंत्रा की, आप मैं इसे लेके चल जाता हूँ आपको डायरेक्ट से कंप्यूटर पे और वहां से आपको यहाँ पे मैं आप कंप्यूटर पे आ गया हूँ और यहाँ पे आपको इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि दिखने में आसानी हो। और यहाँ सबसे ऊपर मैं अनइंस्टॉल चेंज प्रोग्राम का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे टैप कर लेता हूँ। यहाँ पे टैप कर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मंत्रा का जितना भी आप पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं जो भी सेटअप है, जैसे MFS 100 और मंत्रा का रजिस्ट्रेशन डिवाइस, ये दोनों को मैं सिंपली पार्ट पार्ट करके अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। अनइंस्टॉल बहुत सिंपल है, जिसको नहीं पता है वो आराम से इसे देख के अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जाना है डिवाइस में कंट्रोल पैनल में करके प्रोग्राम फीचर में जाके वहाँ पे आपको जो जो डिवाइस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसको चेक करना और पार्टिकुलर करके आपको उस पर डबल टैप करके उसके इंस्टॉल कर रहा था। मैं दोनों जो है मंत्रा का यहाँ पे सर्विस है मैं उससे आराम से इंस्टॉल कर ले अनइंस्टॉल कर देता हूँ। हाँ मैं बता दूं कि मुझे ये जो वर्जन है ये लेटेस्ट मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड किए थे, लेकिन ये वेबसाइट मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब कि इसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही जैसे कि या फिर ये कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ ही काम करता है, इसलिए मुझे ये लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन है इसका मंत्रा का, तो मैं इसे ही उड़ा दे रहा हूँ। मेरे पास जो है मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि आप यूज करो उसको, काम से मतलब अपडेट वर्जन से कोई मतलब नहीं है कि क्या है नहीं है। तो मैं यहाँ पे दूसरा भी मंत्रा का मैं ढूंढता हूँ, उसे देखिए मंत्रा आरडी दिख रहा हूँ यहाँ पर सर्विस प्रोडक्शन वर्जन, इसे मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ सिंपल। तो चलिए यहाँ से मैं इसे सिंपली बहुत ही आसानी से दोनों उसका जो सर्विस से मंत्रा का उसके एम से अब नहीं है कोई भी, उसे मैं अनइंस्टॉल यहाँ से कर दिया हूँ। अनइंस्टॉल करने का बता दूं आपको कि आप लोग बीच में इंस्टॉल किए तो आप लोग टेस्ट पेज में गए होंगे, एक वेबसाइट का लिंक दिया रहेगा या टेस्ट URL इस पे गए होंगे aadhar.aadhardevice.com पे, तो इसके भी आपका जो है सर्च करते हो डिवाइस शो नहीं करता, लेकिन मैं इसे सारी चीज करके दिखाऊंगा आपका डिवाइस भी शो करेगा। तो चलिए यहाँ पे करना है क्या, मुझे ये पार्टिकुलर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके सबसे पहले मुझे ये जो 15 MB की इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ पार्ट बाय पार्ट करते हूँ। यहाँ पे मैं इसे सिंपली इंस्टॉल फटाफट कर लेता हूँ और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना, जो भी पूछा जाए नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इसको आराम से अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने 15 MB का जो आया तो मेरे सामने इस प्रकार पेज आ गया, तो मुझे सिंपली यहाँ पे इसको एग्जिट कर देना, कुछ नहीं करना, ना इंस्टॉल ना इसको फिनिश करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक 3 MB के करीब का 3.3 MB का रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है और इसे सिंपली यहाँ पे अपने पीसी में इसे भी इंस्टॉल करना है। तो ये थोड़ा सा कमांड की तरह आपके सामने शो करेगा, इसे इंस्टॉल में थोड़ी टाइम लगेगी, 1 से 2 मिनट लेके ये इंस्टॉल, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सब कुछ फाइल सेव जाए करते हुए इसे आराम से में भी इंस्टॉल। देखिए आप कमांड खुल गया, इसे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ये जैसे इंस्टॉल होगा उसके मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा इसका लाइन आते हुए और इसकी जो भी एक जो फीचर जो आपको क्रोम में सेटिंग चेंज करना होता है उनमें। तो यहाँ से देखिए मेरे पे सबसे इंस्टॉल आराम से हो गया है। चलिए मैं अपना डिवाइस को एक बार पुट आउट करके पुट इन करके मैं दिखा दूं आपको कि कैसे है काम करेगा। तो मैंने डिवाइस को पोर्ट निकाल के फिर से डाला है और यहाँ पे इंतजार करता हूँ कि मुझे यहाँ पे उसके राइट साइड में यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या आता है कि योर फार्मर रेडी टू यूज या फिर कोई एरर करता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ जब तक वो प्रोसेस है तब तक मैं क्रोम की एक सेटिंग कर लेता हूँ, शायद पीसी को रिस्टार्ट करना पड़े। तो यहाँ पे मैं क्रोम में आता हूँ। क्रोम में आने के बाद आपको अपने जैसे कि यहाँ पे क्रोम डॉट करके लिखना, तो आप क्या करो कि कंट्रोल प्लस एच दबाओ, तो इससे क्या होगा आपका हिस्ट्री ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कंट्रोल के साथ एच दबा तो हिस्ट्री ओपन हो जाएगा। हिस्ट्री का यहाँ टैप करना है और सिर्फ हिस्ट्री को यहाँ से आराम से डिलीट कर देना है। तो हिस्ट्री को डिलीट करें, यहाँ पर आपको लिखना है फ्लैक्स FLAGS और इसके साथ आपको इंटर मार देना है। ये फ्लैक्स जो आपको पीसी के कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स से है जो आपके सामने शो करता है, कुछ फीचर्स जो है इसको ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसमें एक चीज सेटिंग सिर्फ आपको सेट कर देना है क्या, यहाँ पे सर्टिफिकेट करके आप यहाँ पे आपको सामने देखो मेरे थोड़े से लेट खुल रहे हैं, आपके मेरे से ज्यादा फास्ट खुल जाएंगे फ्लैक्स सिस्टम। तो यहाँ पे मेरे ओपन होता है तो मेरे सामने इस प्रकार से नहीं आता। मंत्रा रेडी टू यूज फार्मर भी आ गया है मेरा। अब यहाँ पे देखिए फ्लैग के यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको लिखना सर्टिफिकेट लिखना, लेकिन CERT लिखे हुए थे आपको वो ऑप्शन जो है जो ढूंढ रहे वो मिल जाएगा यहाँ पे। अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट रिसोर्स लोड फ्रॉम ये डिसेबल, इसको आपको क्या करना है इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे करके मैं इनेबल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे रिलॉन्च का ऑप्शन आ जाएगा, ब्राउजर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, फिर से आपका ब्राउजर लॉन्च करेगा। तो मैं यहाँ पे करने के बाद इसे रिलॉन्च करता हूँ। इतना ही दो चीज, अगर आपको ज्यादा बेहतर इसका अपना पीसी बार रिस्टार्ट कर ले। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो ये रिलॉन्च हो गया है, मतलब दोबारा खुल गया। अब क्या करना है मुझे अपना मंत्रा को टेस्ट करना है, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे यहाँ पे मेरे इसमें एक टेस्ट पेज भी आपको मिल जाएगा, उस जब डाउनलोड करूंगा TXT फोल्डर में। तो ये क्या करना है मुझे इसको सिंपली अब यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल करके। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं इसे पेस्ट करके मैं चेक करता हूँ कि मेरे यहाँ पे स्कैनर जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये इसका चेक करने का मॉर्फो को चेक करने का साइट होता है, वैसे इस तरह का आप मंत्रा को भी चेक करते हैं साइट जाकर rdtest.aadhardevice.com पे। तो ये मेरा मंत्रा आरडी से साइलेंट हो रहा है। आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको देखना यहाँ पे आपको पोर्ट दिखेगा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे आ गए यहाँ पे मुझे करना है discover AVDM। तो मैं डिस्कवर करता हूँ, अभी आप पहले करेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन फेल ETC आपको एरर मार देगा, लेकिन इतने चीज करने के बाद मेरे यहाँ देखिए डिस्कवर RD सर्विस डिस्कवर सक्सेसफुल आपको साथ दिख रहा होगा यहाँ पे, मुझे आ गया आराम से। आप मुझे इसे ओके करना है आराम से और मुझे यहाँ से टेस्ट करना ना कि उस एप से। तो मैं यहाँ कैप्चर पर टैप करता हूँ और मैं आपको सामने मैं अपना स्कैनर यहाँ पे रख दिया हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे स्कैनर से आराम से लाइट आ गए, मैं लाइट पे फिंगर करके मैं चेक कर लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पे लगभग लोग इतने काम सक्सेस हो गए और मैं यहाँ पे लॉन्च हो गया। तो चलिए अब मैं वापस मैं चलता हूँ आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने रिस्टार्ट नहीं की PC, इसको कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है रिस्टार्ट करने की, और चेक करता हूँ अभी ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर दिया हूँ और मेरे सामने है मेरे से पीसी से जुड़ा हुआ है थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड। तो चलिए आपके सामने मैं लाइव प्रूफ करके मैं दिखा दूं यहाँ पे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सिंपली मैं वही करूंगा जो इसे आप लोग करते हो, डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथ करने के बाद अगला जो पेज खुलेगा उसके बाद मैं आपको डिटेल दिखा दूं। मैं पूरा स्टेप कोई भी इसमें फॉल्स नहीं है जो है लाइव प्रूफ के साथ में कर रहा हूं। इस वीडियो में आप ये स्टेप बाय स्टेप करोगे आपका इसमें जैसा यहाँ पे काम करता है वैसा काम करेगा। यहाँ पे मुझे आराम से मॉर्फो जगह मंत्रा को चूज करना है। ये मंत्रा सभी पर अवेलेबल रहता है, बहुत सस्ता पड़ता है, तो किफायती है चीफ रेट। यहाँ पे अपना आधार नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सॉरी आधार नंबर सेलेक्ट कर लिया मैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे नाम चूज करना है, तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है मेरे माउस की। और यहाँ पे मैं नेम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट कैप्चर पे टैप। तो देखिए मैं स्टार्ट कैप्चर पर टैप कर रहा हूँ, मेरे मंत्रा सामने भी काम कर रहा है। मैंने PC को रिस्टार्ट नहीं किया वैसे,
और मेरा ये पेज जो है वापस रिस्टार्ट हो रहा है, तो अगर नहीं हुआ तो मैं देखूंगा कि अगर कोई फॉल्ट आ रही है तो देखे, अभी जैसे कि पेज होती है इसमें कभी कभी एरर ले लेता है और शायद उसी टाइप से एरर हुआ है ये। अब देखिए आपके सामने मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मैं क्लोट के, मैं देखिए यहाँ पे मंत्रा मोरफो मैं यहाँ पे जो है मंत्रा का लाइट आ रहा था जल गया है वहाँ, देखिए मैं सामने के मैं इससे दोबारा भी आपको मैं करके दिखा दूँ। मैं देखिए यहाँ पे भूता हुआ है, मैं स्टार्ट कैप्चर पे वहाँ सामने स्टार्ट कैप्चर और मैं यहाँ पे दूर रख रहा हूँ इसको, और मैं किया स्टार्ट कैप्चर टैप, जैसे स्टार्ट कैप्चर में देखिए ऊपर पेज रिलोड हो रहा है और सामने मेरा डिवाइस लगा हुआ है मंत्रा की और आपके सामने यहाँ पे देखिए मेरे पे ये रिलोड हुआ। अब थोड़ी देर मुझे इस पे लाइट शो करेंगे, मैं देखिए लाइट आ गया, मैं अपना फिंगर यहाँ पुट करता हूँ, देखिए जैसे फिंगर पुट करूंगा वहाँ पे कैप्चर तो लेता है, उस टाइप से वहाँ गोल गोल बनता है वो दिखेगा आपको। देखिए मैं कैप्चर यहाँ पे मुझे ले लिया और यहाँ पे गोल होकर सबमिट भी ले लिया, यहाँ देख सकते ऊपर मंत्रा लिखा हुआ पूरी अच्छी तरह से, यहाँ मंत्रा लिखा हुआ मैंने, यहाँ नीचे आधार नंबर डाला, नीचे अपना नाम डाला और यहाँ पे कैप्चर पे मेरा सक्सेस हो गया मंत्रा का डिवाइस। तो सिर्फ आप ये सेटअप करके अपनी मंत्रा को आराम से अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या फिर आप कोई AEPS सिस्टम यूज करते हो या फिर आप इसको पेन कार्ड UTI की सर्विस द्वारा जो किसी का जब रिएक्शन किया जाता तो और बाय ऑथ किया जाता तो वहां पे इस जरिए आप सेटअप करके आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अपने CSC ID के जरिए मैं इसे और आपको या फिर आपको चाहो तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि आप इसको पेन कार्ड की सर्विस कैसे मंत्रा को MFS ये जो है 100 जो है इसको आप यूज कर सकते हैं, कैप्चर सक्सेस हो गया आपके सामने मेरे, यार ये सक्सेसफुली ये भी दिख रहा है। तो इस टाइप से आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, मतलब काफी किफायती पड़ता है लोगों को और अपने सर्विस आप ज्यादा कर सकते हो। मंत्रा बहुत सारे लोगों के पास मैं देखा हूं तो अवेलेबल रहती है लेकिन कुछ चेंजिंग के कारण आप यूज नहीं करते। आपको जो है इसका जो लिंक है मैं इस जो मेरे पास सॉफ्टवेयर का जो ड्राइवर का लिंक है मैं इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहां डाउनलोड करना स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया हूं मैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन काम की वीडियो बनाया हूं तो आपसे डाउनलोड करना, वहां से आराम से आपको गूगल क्रोम का ये सेटिंग चेंज करना। सेटिंग कैसे करना मैं एक बार और बता दूं, वहां पर फ्लैग पे जाना है, यहां पे कोई हिस्ट्री लिखना कंट्रोल एज दबाओगे हिस्ट्री आ जाए या फिर डायरेक्ट सिंपली आप यहां से जाकर हिस्ट्री में जा सकते हैं। यहां देखिए आपके टैप करोगे यहाँ पे हिस्ट्री में पहुंच जाना, एक सेकंड हिस्ट्री में जाने के बाद बस आपको यहाँ पे काट करके यहाँ फ्लैक्स लगाना, वहाँ पे सर्च करना CERT करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट रिसोर्स लोडेड फ्रॉम लॉक होस्ट इसको इनेबल कर लेना, बस इतना ही करना, आपको PC रिस्टार्ट भी करने पड़ेगा, बस लॉन्च करना रिलॉन्च करना क्रोम को और आपका यहाँ पे आराम से मंत्रा जो डिवाइस है वो काम कर जाएगा हर चीज के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके आपको पेन कार्ड पे आप UPI की सर्विस को आप कैसे अपने मंत्रा MFS 100 को यूज कर सकते हैं। ये था आपका किसान एग्रीकल्चर पे मंत्रा यूज करने के लिए, मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पर्सनली मैं सॉफ्टवेयर ड्राइवर का भी काम वर्क करता हूँ मेरे अपने शॉप पे, तो यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं मंत्रा का चाहिए तो मैं ये वीडियो लाया उन्हीं के लिए स्पेशल लाया हूँ। देखिए आराम से इसको यूज कीजिए और अधिक से अधिक अपनी सर्विस लोगों को आप नोट कीजिए। और मेरा एक सवाल है कि आप लोग ये जो यूज करते हैं किसान एग्रीकल्चर के तो आपको पर कस्टमर चार्ज क्या करते हो, नीचे आप कमेंट करके बता दें मुझे ताकि पता चल जाए कि कौन कौन लोग क्या क्या चीज में कितने कितने चार्ज किस एरिए में की जाती है। तो बस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो करें एक लाइक, अगर आपको कोई सुझाव आया या प्रॉब्लम या इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्या राय है नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और हमारे चैनल आप नए तो चैनल पर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक्निकल सिम साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से। तो भाई ये वीडियो आपको अगर लगा कि वर्क किया तो आप मुझे मेरे बारकोड पे डोनेट कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू, अगर लगता है कि मैंने काफी मेहनत लगी वीडियो बनाने में वो लगा है कि वीडियो वर्क किया है। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए टेक्निकल सिम साइनिंग आउट।